Assalamualaikum. BMA 149 Long Course Academic Important MCQs Part 9. आज इस Part 9 में हम पाक स्टडी के तकरीबन जितने भी MCQs हैं सबको पढ़ेंगे, ठीक है? और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पाक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। एसटीए का स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था? नूरुल अमीन। पाक अफगान बॉर्डर गार्ड। पाक अफगान बॉर्डर क्या कहते हैं? ड्यूरन लाइन। क्वेश्चन, पाक ज्वाइंड UNO 30 सितंबर 1947। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। नंबर ऑफ रिवर्स इन बलूचिस्तान, 7। देयर आर 7 रिवर्स इन बलूचिस्तान। लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, दैट इज कैस्पियन लेक। अबू जहल वास्केलिन गज़वाए बदर। इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावर इन 1974। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई। विच प्रॉफिट बिल खाना काबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। विच सिटी इज़ नोन एज सेवन हिल्स, रोम। इटली का एक शहर था, उसका नाम क्या था? रोम। मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? यूरोप। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर केपीके का कौन है, सिंध का कौन है, बलूचिस्तान का कौन है और पंजाब का कौन था? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मतलब पहला कौन था, सबसे पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? तो केपीके का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था? अब्दुल कयूम था। सिंध का मोहम्मद अयूब, बलूचिस्तान का अताउल्ला और पंजाब का नवाब इफ्तिगार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविंसेस बाय साइज, ठीक है? अब चार प्रोविंस हैं और चारों के अलग अलग साइज स्क्वायर किलोमीटर में, ओके। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान का 347190 किलोमीटर स्क्वायर, सिंध का 140914 किलोमीटर, पंजाब का 205344 स्क्वायर किलोमीटर, खैबर पख्तूनख्वा का 101741 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। इनमें से एक कोई कभी क्या कहते हैं, कभी कभी इस तरह का एक एमसीक्यू आ सकते हैं आप उसमें एकेडमिक में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर इंस्टीट्यूशंस एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है? अब जो मेजर इंस्टीट्यूशन है ना वो, और साथ साथ वो कब इस्टेब्लिश हुए, इसकी डेट्स। तो सबसे पहले FBR का क्या, कब हुआ था? 1 जुलाई 1920। FBR कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1 जुलाई 1920। PIA कब बना था? 29th ऑफ अक्टूबर 1946, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी कब बनी थी? 14th ऑफ अगस्त 1947। PTCL कब बना था? 1947 में। स्टेट बैंक कब बना था? 1 जुलाई 1948 में। ISI कब बनी थी? 1 जनवरी 1948 में। NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कब बना था? 1949 में। SSGC 1955 में बनी थी, ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। वापडा 22 फरवरी 1958, वापडा कब बनी थी? 1958 में। SNGPL मतलब गैस कब बनी थी? 1963 में, ओके।
पीटीवी 26th of November 1964, PNSC 1971, FIA 1975 और डेट क्या थी 13th of January, NAB 16th of November 1997, NTDC 1998। ये मैं जितनी भी डेट्स बता रहा हूँ आप अपने पास एक रफ रजिस्टर ले लें और उस पर ये सारी डेट्स लाइन वाइज लिख लें, इस तरह याद नहीं होती आपको। मैं तो आपको सब कुछ बता रहा हूँ लेकिन जब तक आप एक रजिस्टर पर ये सब डेट्स लाइन वाइज नहीं लिखेंगे तब तक आपके जहन में ये चीज़ नहीं बैठेगी। ओके, तो एक रजिस्टर ले लें और उस पर ये सब डेट्स वगैरह लिख लें अपने पास। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि ओल्ड नेम्स ऑफ सिटी, मतलब सिटीज़ के अब नेम कुछ और हैं लेकिन उनके पहले नेम कुछ और थे। इस तरह के 3 या 4 या 1 MCQs लाजमी आ जाते हैं उसमें एकेडमिक पोर्शन में। ओके, तो चलते हैं। पहले है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का पुराना नाम क्या था? राजशाही। इस्लामाबाद का क्या था पुराना नाम? राजशाही। नेक्स्ट, कोयटा का पुराना नाम क्या था? व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ कोयटा? शालकोट। क्या था? शालकोट। लाहौर का इसी तरह, लाहौर का पुराना नाम क्या था? महमूदपुर। क्या था? महमूदपुर। फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था? लियालपुर। क्या था? लियालपुर। इसी तरह बेनज़ीराबाद का पुराना नाम क्या था? नवाबशाह। साहिवाल, मॉन्टगोमरी। गुजरावाला, खानपुर। जैकोबाबाद, खानघर। सियालकोट, सलवान कोट। सियालकोट का क्या था? सलवान कोट। मैंने जब 147 का लॉन्ग कोर्स दिया था आज से 2-4 साल पहले तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आया था एकेडमिक में कि व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ सियालकोट, दैट इज सलवान कोट। अटक, कैंप बेलपुर। अटक का पुराना नाम क्या था? कैंप बेलपुर। मुस्लिम बाग का पुराना नाम क्या था? हिंदू बाग। ये भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। स्वात, युद्धयाना। क्या? युद्धयाना। ओके, हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? निरून कोट। ओके, निरन कोट, दैट इज निरन कोट। अच्छा, अब अगला है कि इम्पोर्टेंट सेलिब्रेटेड डेट्स, मतलब कि कौन कौन सी पूरे कैलेंडर में कौन कौन सी ऐसी डेट्स हैं जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन छुट्टी होती है। ओके, तो पहली है कश्मीर डे। कश्मीर डे कब होता है? 5th February को होता है। कब होता है? 5th February को। पाकिस्तान डे 23rd March को। लेबर डे 1st May को। योम तकबीर कब होता है? योम तकबीर कब होता है? 28th of May। डेट्स आपने ज़बानी याद कर लेनी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं। ऑलमोस्ट 7, 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ के होते हैं। ओके, ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, काफ़ी सारी चीज़ें ये सब आपने नोट करनी है। इंडिपेंडेंस डे, ये तो आप सबको पता है, 14th अगस्त। डिफेंस डे 6th September। डिफेंस डे कब होता है? 6th September को मनाया जाता है। ओके, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? अब ये एक क्वेश्चन है जो कि फोर्सेस से रिलेटेड है तो ये देखें, ये लाजमी बात है, इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये कब हुआ था एयरफोर्स डे? 7 September। कब? 7 September। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवी डे। अब ये भी एक फोर्सेस से रिलेटेड है तो नेवी डे कब था? 8 September। कैद आजम डेथ, कैद आजम की डेथ कहाँ पे हुई थी? कराची में। और कब हुई थी? 11th September। कब? 11th of September।
मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में सारे तो नहीं ख़त्म हो सकते क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगला पार्ट भी बनाऊंगा, उस पार्ट में तकरीबन ख़त्म पास्ट स्टडी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज फ़िलहाल जो है क्या कहते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जितने भी क्वेश्चन रह गए तो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप नेक्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। कल आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर कब मनाया जाता है? 24th of October। कब? 24th of October। नेक्स्ट डे इकबाल डे, इकबाल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9th of November। कब? 9th of November। याद रखनी है डेट, दिमाग खोल के बैठे। कायदे आजम बर्थ, कायदे आजम कब पैदा हुए थे? डेट इज 25th December। कब? 25th December। और आज की हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है, इसी के साथ आपसे इजाज़त मांगूंगा। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा चैनल पाक एजुकेशन सब्सक्राइब कर लिया होगा, और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज़ जल्द पहुँच सके। और मेरे क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पर जितनी पुरानी वीडियोज़ हैं, दैट इज़ पार्ट 1 टू पार्ट 7, आपने वो सब लाजमी वॉच करनी है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, ताकि मैं कहता हूँ कि कोई बच्चा भी ऐसा ना हो, मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो कि जो इनिशियल टेस्ट में फेल हो, सब पास होंगे इंशाल्लाह। जिसने मेरी वीडियोस देख ली सारी, मैं 100% श्योरिटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वो बच्चा इंशाल्लाह, वो स्टूडेंट लाजमी लाजमी कामयाब होगा, ही विल पास हिज इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब लाजमी करना, एंड खुदा हाफिज़।